किसी भी सब्जी में तड़का लगाने और सलाद का जायका बढ़ाने वाला टमाटर अब खाने की प्लेट से गायब होता जा रहा है। जी हाँ, अभी तक प्याज का बढ़ा हुआ दाम ही लोगों के आंसू निकाल रहा था, लेकिन अब टमाटर के भाव ने भी लोगों के दांत खट्टे करना शुरू कर दिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में टमाटर 100 रुपए किलो तक जा चुका है। इसके चलते लोगों की प्लेट से टमाटर लगभग गायब हो चुका है। देश के कई राज्यों में तो टमाटर के दाम 150 से 180 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम से परेशान कई लोगों का कहना है कि उन्होंने टमाटर खाना ही छोड़ दिया है। पीस में नियर अबाउट मान के चलो 1 किलो होगा, देखिए 1 किलो 40 रुपए किलो, कैसे किसान एक साधारण भी कैसे खा सकता है। और टमाटर लिए, टमाटर 120 रुपए किलो मिला है, अदरक 1100 रुपए का 5 किलो, बहुत महंगा है भैया। भाई फर्क तो पड़ेगा ही, जब महंगा हो रहा है तो फर्क पड़ेगा ही। आम जीवन है कि लोग जो पहले ज्यादा खाते थे कम खाएंगे, कम मात्रा में खाएंगे। ये आम के सभी को बड़े लोग भी नहीं खरीद सक रहे हैं, केवल देख कर ही चले जा रहे हैं, टमाटर लेने की हिम्मत नहीं करती। टमाटर रसोई में दिखाई नहीं पड़ता। आधी बिक रहा 300 रुपए किलो, हम नहीं बेचते हैं, बगल में बेचते हैं, 2 बोरा बेचते थे, अभी 10 किलो भी नहीं शुद्ध से बिक रहा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी अधिकांश जिलों में टमाटर 150 रुपए प्रति किलो से अधिक मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सब्जी में खटास के लिए अब टमाटर के बजाय अन्य उपाय किए जा रहे हैं। टमाटर के अलावा अन्य सब्जियों की भी बात करें तो इन सब्जियों ने भी रसोई का बजट बढ़ा दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं। टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो, अदरक 200 रुपए प्रति किलो, धनिया 150 रुपए प्रति किलो, पालक 35 से 40 रुपए प्रति किलो, टिंडे 40 से 50 रुपए प्रति किलो, लौकी 35 रुपए, करेला 40 से 50 रुपए, ग्वार 50 से 55 रुपए, मिर्ची 40 से 50 रुपए, भिंडी 50 से 60 रुपए, आलू 50 रुपए। विषय के जानकारों का मानना है कि प्रदेश के खेतों से सब्जियां खत्म हो गई हैं। अब जुलाई महीने में नई सब्जियों की बुआई की जा रही है। ऐसे में अन्य राज्यों से सब्जियों का ट्रांसपोर्ट होने से सब्जियों के भाव में तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग महंगी सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं, साथ ही उनका बजट भी पूरी तरह से बिगड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।